श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आपके बच्चे का जो मानसिक विकास नहीं हो पाया, मतलब उसका जो दिमाग है वो थोड़ा कमज़ोर है, या फिर आपका बच्चा दिन भर फ़ोन में ही लगा रहता है, यानी पढ़ाई करता नहीं, दिन भर फ़ोन में ही लगा रहता है, आपकी बात सुनता नहीं है, बात बात पर आपको जवाब दे देता है, उसको क्रोध बहुत आता है, नई नई चीज़ों की फरमाइश करता है, नई नई चीज़ों की जिद करता है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो अच्छा बने, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये उपाय कैसे किया जाता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये उपाय में कौन कौन सी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। तो इसमें आपको केवल दो चीज़ें लगने वाली हैं, एक पीपल का जो पत्ता होता है वो आपको लगेगा और दूसरा शहद लगेगा। ध्यान रहे कि पीपल का पत्ता किसी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और पूरा पूरा होना चाहिए, कोई कट या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और शुद्ध शहद आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज़ें केवल लगेगी। दूसरी बात ये कि इसको करना कब है, करना आपको प्रदोष काल के टाइम है, यानी जो समय रहेगा वो प्रदोष काल का समय रहेगा। जैसे कई बार गुरुजी ने आपको बताया है कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कुल मिला के 1.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर प्रदोष काल में आपको समय नहीं मिल पाए तो कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रदोष काल का समय उत्तम रहता है। अब इस उपाय को किया किस दिन जाए, कौन से दिन करना ज़्यादा उपयोगी होता है, तो पहले तो आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, या कोई अमावस्या के दिन कर सकते हैं, या कोई पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या सोमवार को कर सकते हैं, ठीक है, या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। वैसे तो आप ये उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कुछ आपको दिन बताए इन दिनों में अगर ये करते हैं तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको मैं ये भी बता देता हूँ इस उपाय को आपको कितनी बार करना है। तो देखिए, कम से कम इसको 5 बार आपको करना चाहिए, यानी कि आप 5 सोमवार कर सकते हो, या 5 शिवरात्रि को कर सकते हो, या 5 अमावस्या को कर सकते हो, या 5 पूर्णिमा को कर सकते हो। कोई भी अगर टाइम ले रहे हैं तो आप 5 दिन तक या 5 बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब उपाय को करना कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही आसान उपाय है, इस उपाय को करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, एक तो आपको पीपल का पत्ता बताया और दूसरा आपको शहद बताया। ये दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है शाम के टाइम, और वो भी आपको बताया प्रदोष काल के टाइम जाना है। और जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जैसे आप एक पेरेंट्स और अपने बच्चे के लिए अगर ये उपाय कर रहे हैं, तो अगर बच्चा साथ में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे के हाथ से अगर ये उपाय करवाओगे तो उसको ज़्यादा फल मिलेगा, अदरवाइज़ अगर बच्चा नहीं जा सकता तो आप भी इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, जब आप ये उपाय कर रहे होंगे तो आपको एक संकल्प लेना है, यानी कि बोलना है मन में बच्चे का नाम और बच्चे का गोत्र। ये दोनों चीज़ बोल के अगर आप उपाय को करोगे तो ये सारा जो इसका फल है वो बच्चे को मिलेगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट करोगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। इसलिए आप ज़रूर बच्चे का नाम और उसका गोत्र जरूर बोलेंगे, ठीक है। अब आपको जो पास जो पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते का जो चिकना वाला हिस्सा है, चिकना वाला पार्ट है, उसके पूरे के ऊपर आप क्या करेंगे, शहद लगा देंगे। उसके ऊपर शहद लगाकर उस पत्ते को आप भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देंगे, और साथ ही आप तुम्रुका जी जो हैं उनका नाम लेते हुए ये उपाय को करेंगे, ठीक है। तुम्रुका जी का नाम लेते हुए उपाय करेंगे, और साथ ही आप अपनी प्रॉब्लम जो है, यानी बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो भी बोलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तुम्रुका जी से प्रार्थना करेंगे। जिस काम के लिए भी आप गए, बच्चा आपके सुन नहीं रहा है तो वो आप बोलेंगे, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए बोलेंगे, जो भी समस्या बच्चे की है उस समस्या को लेकर, उस समस्या को बोलकर आप तुम्रुका जी से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। फिर उस पत्ते को 5 से 10 मिनट लगा रहने देंगे, किस पे, शिवलिंग पर लगा रहने देंगे। इसके बाद उस पत्ते को निकालेंगे, ठीक है, पत्ते को निकालेंगे मतलब पत्ते को अपने पास ले लेंगे, हाथ में ले लेंगे, और अगर बच्चा साथ में गया है तो बच्चे को वहीं पर आप उस पत्ते को खिला दीजिए, ठीक है। अगर बच्चा नहीं गया है साथ में तो आप घर ले आइए उसको, घर लाकर वो बच्चे को वो जो पत्ता है वो खिला दीजिए। अगर बच्चा पत्ता नहीं खाता है तो जो उसमें शहद लगा हुआ है उस शहद को चटवा दीजिए, पहले तो सारा शहद वो चाट लेगा। जब पत्ता बचेगा ओनली, उस पत्ते को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उसके खाने में, जब भी वो खाना खाए उसका थोड़ा सा टुकड़ा उसमें डाल के उसको खिला दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप खिलाओगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा और वो पत्ता वो खा जाएगा। तो पत्ता पूरा खाना है और उसमें जो शहद है वो उसको चटा देना है। अगर इस उपाय को आप करते हैं 5 बार, कम से कम मैंने आपको बताया कि इस उपाय को 5 बार करना है, कोई से भी दिन कर सकते हो, मैंने अभी आपको बता दें कौन कौन से खास दिन है उसको भी आप कर सकते हो। अगर ये उपाय आप करते हो तो जिस भी समस्या बच्चे की, जो भी समस्या के लिए आपने ये उपाय किया है, उस समस्या से बहुत जल्दी बच्चा
निवृत्त हो जाएगा, बहुत जल्दी उससे मुक्ति उसको मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।